हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आरके पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कुछ शेड्यूल्स में चेंज आ गए हैं। तो वो चेंजेज क्या है, तो वो चेंजेज मैं आपको दिखाने से पहले आपको बता दूं, तो अगर आपने चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए। और मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी कहा था कि मेरिट लिस्ट आना होगा तो वो आ जाएगा, ऑफिशियल डेट थी। लेकिन LNMU क्या करेगा, देखे थे कि रिजल्ट निकलने वाला था एक को, क्या उसने निकाला? तो ये भी अपडेट ऑफिशियल, आई होप कि ये डेट ऑफिशियल हो। हम इसी डेट के साथ, जो डेट देता है उसी डेट के साथ किसी भी इंसान को चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी डेट के साथ चल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब रिवाइज जो आया है वो क्या है। तो आपका डेट ऑफ काउंसलिंग जो भी होगा वो आज तक है। अगर आप कराना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का चुनाव करें, ताकि उसी को, जितने आप कॉलेज चुनोगे उसी में से आएगा। आपके नाम पे 3-4 कॉलेज जो अलॉट होना होगा हो जाएगा। आपको जो कॉलेज पसंद होगा उसको आप अलाउ करोगे, वरना डिनाई करोगे। तो यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ रिसेट कॉलेज चॉइस आपको 20 से 21 दिया गया था। डिस्प्ले द अलॉटेड कॉलेज, अब कॉलेज कब अलॉट होगा तो 28 को अलॉट होगा। यानी कि 28 से पहले 28 तक आप फिर से वेट करना पड़ेगा। यानी कि आपने 21 तक वेट किया, 21 तक अंतिम सीमा आपकी समाप्त नहीं हुई तो अब 28 तक होगी। फिर है यहाँ पे डेट ऑफ पार्ट फी ऑनलाइन, अब ऑनलाइन फी 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक करना पड़ेगा। तो जो आपका पेमेंट होगा ऑनलाइन करना पड़ेगा, वो मैं आपको सुबह में ही बताई हूँ कि 3000 क्या करना है, तो ऑनलाइन पे करना है, और जो 4 ईयर्स वाले थे उनको ऑफलाइन करना था। फिर यहाँ पे देखिए, डिस्प्ले ऑफ द फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट, फिर आपको फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आपको निकलेगा 6/11 को, यानी कि 6 नवंबर को। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट 12th के, इंटर के, इन सब का वेरिफिकेशन होगा 9 से 12 और 23 से 25 तक। अगर आपका पहले बार में नहीं हुआ तो दूसरा बार में आपको टाइम मिलेगा, यानी कि आपको टाइम मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा पूछताछ करेगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो। प्राइवेट है तो थोड़ा ढिलाई देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले भी टाइम देते हैं लेकिन उतना नहीं देते, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि कैसे हम किसी बच्चे को भगाएं। फिर है देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट। फिर अगर देखिए सेकेंड काउंसलिंग अगर आती है तो उनका कॉलेज कब अलॉट होगा, अगर सीट वैकेंट होती है तो सेकेंड काउंसलिंग कब होगा, तो यहाँ पे अलॉटेड कॉलेज उनको 1/12 को दिखेगा। फिर डेट ऑफ पार्ट फी पेमेंट 1/4 को वो लोग करेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आपका 6 दिसंबर को आएगा। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन उनका होगा 8 तारीख को, यानी कि 8 दिसंबर को होगा। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का कॉलेज में एडमिशन हो उनका डिस्प्ले कैसा दिखेगा, तो 14/12 को दिखेगा। फिर डिस्प्ले ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, जो अब क्या हो गया यहाँ पे, फिर भी अगर सीट बच जाती है तो क्या आपको लगता है कि सीट बचने की है? लेकिन देखिए, मैं तो पहली बार ऐसा बता रही हूँ कि NOU भी इतना तमाशा नहीं किया था जितना कि LNMU कर रहा है। बार बार चेंज, बार बार डेट में चेंज कर रहा है, कुछ कोई तुक नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा कि इतने 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक काउंसलिंग कराऊंगा, फिर देखिए क्या खेल खेल दिया, 20 21 तक। बच्चों को लुभावने की सबसे अच्छी प्रक्रिया इन्हीं की है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, फिर तीसरी काउंसलिंग अगर आपकी होती है तो वो 16 दिसंबर को होगी। फिर आपको क्या है यहाँ पे, 16 से लेकर 19 तारीख तक आपका फी पेमेंट भी हो जाएगा ऑनलाइन, यानी कि एक दिन का ही आपको समय मिलेगा। आप इसमें जरा भी देरी करोगे तो फिर आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ द एडमिटेड कॉलेज स्पॉट, अब देखिए यहाँ पे आते हैं स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड वो राउंड होता है, पहले ये होता क्या है स्पॉट राउंड वो भी जान लो। स्पॉट राउंड में क्या है, तत्काल आप जाते हो और आपको एडमिशन ले देता है, लेकिन 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 सुन लो, आपका रिजल्ट क्वालिफाई होना चाहिए और सीट बचा रहा तो ही आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ पहले पाओ, फ्री का ले जाओ। तो उसे यहाँ फ्री की नहीं ले जाते, यहाँ पे आपको फी भी पे करने पड़ेंगे, इसके लिए आप तैयार रहना। फिर यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ द, यहाँ पे देखिए वैकेंसी सब कब दिखेगा, 25 तारीख को दिखेगा। फिर यहाँ पे फिजिकल ऑफ द पेमेंट IDD के माध्यम से होगा, यानी कि मैंने जो आपको दिखाया होगा कैसे करना है 3000 पे, बिल्कुल उस माध्यम से LNMU की वेबसाइट के नाम से DD आप बनाओगे। तो आपका उसके लिए देखिए, अगर आप चाहते हैं बनाना तो आपका बैंक अकाउंट अपना होना चाहिए, किसी का भी होगा उस वो बन जाता है, मैनेज हो जाता है। आपको 30 से 35 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। फिर क्या है कॉमेंट्स, फिर आपका क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो यानी कि जनवरी हैप्पी न्यू ईयर से आपके बीएड का क्लास होगा, और देन उसी के 3 से 4-5 मंथ बाद आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, तभी तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर पाओगे ना, वरना तो फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट होने से रहा। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ एक, वैसे ये BEd 4 ईयर्स का है, लेकिन कॉलेज अलॉटमेंट आपका कैसा होगा वो लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 इयर्स बीएड वालों का ऐसा है एडमिशन ऑर्डर, इसी टाइप का आपको भी मिलेगा। जो भी आपका सीरियल नंबर होगा, जो भी पोस्टर, इस तरीके से साइन वगैरह, जो भी वहाँ के नोडल ऑफिसर होंगे उनका साइन भी इसी तरीके से, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा। अगर आप चाहते हैं और भी कोई जानकारी, छोटे बड़ी अपडेट पाना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और पुराने हो तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हाँ देखिए, वीडियो डालने के 1 से 2 घंटे तक मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ, वरना अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, कुछ भी ऐसा पूछना, तो आप रात 10:30 के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसके पहले मैं जवाब नहीं दूंगी। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो।